हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पिछले एग्जाम में पूछे गए रेलवे एन टी पी सी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखेगा जो फ्रेंड्स रेलवे एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तो मिल सके चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो क्वेश्चन था फ्रेंड्स गेगर मंडल द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है ये दोस्तों आपको एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है मतलब क्वेश्चन था गेगर मंडल द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा गया है तो उसे अनुवांशिकी कहा गया है अगला था टोर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है टोर्नेडो क्या है दोस्तों तो एक अति निम्न दाब का केंद्र है टोर्नेडो अगला देखते दोस्तों सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने परसेंट होता होता है? है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना होता है, है? इकोत्तर प्रतिशत होता है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा चार ऑप्शन आते हैं तो उसमें हो जाएगा गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोकक जलप्रपात बेलागावी जिले में स्थित है गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों तो ये बेलागावी जिले में स्थित है गोकक जलप्रपात अगला क्वेश्चन देखते हैं झूम किसका एक तरीका है तो झूम है कृषि का एक तरीका या फिर क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कृषि का एक तरीका कौन सा है तो आंसर हो जाएगा झूम या फिर क्वेश्चन आ सकता है झूम किसका एक तरीका है तो वह है कृषि का ऑप्शन कुछ भी आ सकता है कृषि चिकित्सा स्वास्थ्य तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा कृषि अगला सवाल है सत्य फल अंडा से इसे उत्पन्न होता है सत्यफल किससे उत्पन्न होता है दोस्तों तो ये उत्पन्न होता है अंडाशय से सत्यफल अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो वो थे सुकुमार सेन सुभाष चंद्र बोस थे उन्नीस उनचालीस में कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था सुभाष चंद्र बोस जिनको नेताजी के नाम से जानते हैं तो उन्होंने उन्नीस उनचालीस में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था ये सारे दोस्तों रेलवे में पूछे जा चुके हैं तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ तो आप इनको ध्यान से देखिए सुभाष चंद्र बोस ने तो उन्नीस में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था गदर पार्टी का मुख्यालय कहां है तो सेंट फ्रांसिस्को गदर पार्टी का मुख्यालय सेंट फ्रांसिस्को था गदर पार्टी का मुख्यालय निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है निर्जलीकरण में क्या होता है शरीर से पानी का क्षय होता है संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम छ माह तक रह सकता है संविधान के हिसाब से राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने माह तो तक रह सकता है तो छ माह तक रह सकता है राष्ट्रीय आपातकाल अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है सबसे अधिक लोहा किसमें होता है दोस्तों तो वो होता है हरी सब्जियों में डॉक्टर एस राधा कृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था डॉक्टर एस राधा कृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है जो कहा पर है कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है जो कि कर्नाटक में है जब किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाएगा जब किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना उन्नीस सौ इक्यासी में की गई थी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना उन्नीस ईस्वी में की गई थी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होती है प्रकाश गति के तुलना में रेडियो तरंग अधिक गतिमान होती है तो दोस्तों ये थे रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन अभी दोस्तों मैं ज्यादा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको सिर्फ पंद्रह से बीस क्वेश्चन के ही वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें क्या पता इन चैनल में से कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आ जाए और दोस्तों डेली इस चैनल पर विजिट करते रहिएगा